सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कोई और है जो चाहता है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? कौन? बाबा, वो आ रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, चौरस ने हर चीज की मंसूबाबंदी की हुई है। अखबार का ऐलान तुम्हारे साथियों के लिए मौत का परवाना है, ये समझ लो। तुम मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान रुथचाइल्ड की बेटी शिवनास। मैंने अपने खून के आखिरी कतरे और अपने वालिद के अपने लोगों को दिलवाए जाने वाले मुल्क के हासिल होने तक लड़ने का हल्फ लिया है। रूबीना, मजीद किसी को तकलीफ पहुंचने नहीं दे सकते, हम अभी सबको खबरदार कर देंगे। शिवनास ने जो मंसूबा बनाया है तुम उस पे अमल करो, और ये मेरा हुक्म है, समझे? हम उस्मानी सुल्तान से रहम की दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें समंदर के रहमकरम पर मत छोड़े, बच्चों की खातिर बरा की भीख मांगते हैं। एक एक करके उनका जायजा लिया जाएगा, जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो महाजिर हैं, उस वक्त तक उनमें से एक को भी पाए तख्त में दाखिल होने ना दिया जाए। कल मैं शहादत पढ़ लो। उन्होंने आपके आदमियों को जिंदा दफन कर दिया है, अगर आपने जल्दी ना की तो वो सब मर जाएंगे। किसने किया ये बताइए हमें। शिवनास, अब्दुल हमीद क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो ये कोशिश कर रहा है कि हम उसे शिकस्त ना दे सके। उसे शिकस्त देंगे हम? हम अब्दुल हमीद के खिलाफ इनकलाब बर्पा करने जा रहे थे। अब्दुल हमीद ने जवाबन मेरे खिलाफ एक बड़ा इकदाम किया है। मुझे नहीं लगता कि आप अब्दुल हमीद को संभाल सकते हैं। वो सबसे बड़ा इकदाम कर रहा है, वो आप पर हर तरीके से हमला करेगा। शायद वो आपकी दौलत पर काबिज हो जाए, बिलाखिर वो जीत जाएगा। आपको रुक जाना चाहिए। जनाब रुथचाइल्ड, अब हम तैमुशवार में हैं। तैमुशवार में आपके बैंकारी निजाम को तबाह कर दिया गया। ये कैसे किया? जर्मनी की सरजमीन पर आपके लिए पाबंदी आयद है, लेकिन हमारे पास तिजारत के दस्तावेजात मौजूद हैं, वो सब जर्मनी के सफीर को दे दी जाएंगी, और वहां भी आपके तमाम कारोबारी इंतजाम मुनकता हो जाएंगे। और अब हम एक नई जगह जाएंगे और आपको एक नया धचका लगेगा। या तो बगावत के मसले को रोकिए, या फिर इन जरबों की आदत डाल लीजिए। अब्दुल हमीद से ज्यादा ताकत है हमारे पास। चलिए,
सिपाहियों को खबर कीजिए कि वो जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करें। जो हुकुम सुल्ताना। क्या उसने कुछ चुराया है शिवनाज खातून? नहीं सुल्ताना, पकड़े जाने के खौफ से वो थैला फेंक कर ही भाग गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे ही होता है जब आप लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा की लालच करते हैं, मतलब हलाल के बजाय हराम को तरजीह देते हैं। बदकिस्मती से आप ठीक कह रही हैं। इंशाल्लाह ये दर्सगाह आपके बड़े होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। बच्चों, आप पढ़ने आएंगे ना यहाँ? जी। सुल्ताना, क्या आपको लगता है कि ये मेरे अंदर रहते हुए बाहर की बातें सुनता होगा? यकीनन, जो आप सुनती हैं वो भी वही सुनता है, जो आप महसूस करती हैं वो भी वही महसूस करता है। सुल्ताना, एक खातून मुश्किल में है और आपसे मिलना चाहती हैं। वो आ सकती हैं। जनाब, रुथचाइल्ड का खास मुलाजिम आया है। मुझे अपने बाबा की मदद की कोई जरूरत नहीं है, और जाकर उनसे एक बात जरूर कह कि मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहे। दोबारा मुझसे रابطہ मत करना। धमाका कर दो। ये आप क्या कर रही हैं? पकड़िए उसे, पकड़िए उस आदमी को, भागने मत दीजिएगा। पकड़िए उसे, गोली मार देंगे। खातून, क्या हुआ है? ये तो हमें शिवनाज खातून ही बताएंगी कि क्या हुआ है। सिपाहियों से कहो कि कोई हरकत ना करे, वरना गोली चला दूंगी। हमें सबने कहा कि तुम कोई खेल खेल रही हो, लेकिन हमने तुम पर यकीन करने को तरजीह दी। हम तुम पर यकीन करना चाहते थे कि तुम एक अच्छी इंसान और अच्छी मुसलमान बन चुकी हो, क्योंकि तुम ये चाहती थी। तुम हमेशा अच्छा करना चाहती थी, और अब तुम्हारा इख्तिताम है बेदार सुल्तान। अब्दुल हमीद और उस्मानी दोनों तबाही का शिकार होंगे। पिस्तौल नीचे करो अपनी। तुम्हारी सुल्ताना मेरे साथ जाएगी। दूर रहो, कोई भी करीब ना आए। नहीं, दूर रहो मुझसे। तुमने देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक सुल्ताना तो मेरा शिकार बनेगी। खुशी तो हो रही होगी इतने मुबारक दिन जो मर रही हो तुम बेदार सुल्तान, है ना? कोई रोको इस औरत को, कुछ करो, गोली मार दो उसे। बेदार सुल्तान को गोली लग सकती है। कोई करीब ना है। दूर रहो। अल्लाह रहम, अल्लाह हमारी मदद फरमा। मैंने कहा मेरे करीब मत आना। करीब मत, पीछे हट जाए। हमने कहा सब पीछे हट जाए, कोई आगे नहीं आएगा। दूर हटो, करीब आने की कोशिश मत करना। दूर हटो, दूर हटो। Thank you.
सुरेंद्र साहब, रुको मेरे शेरो, रुको। उस्मान, कुछ बोलो। मेरे शेरो, अकेला मत छोड़ना मुझे। तुम्हारे फराइज अभी बाकी हैं। रुको, मेरे शेरो। चलो, बस हो गया। हो गया। चौरस, रुबीना, मेरी मोहब्बत, रुबीना, मुझे माफ कर देना चौरस, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है मेरे लिए। मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी जिंदगी के बदले तुम्हारा सौदा किया। कब्र से बाहर कैसे आए? हम बहरी जहाज पे हैं। हमें वहां से निकाला किसने? नहीं मालूम। मेरे भाइयों, आप लोग जाकर। उमर, उमर, हमें बताओ क्या हुआ। मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया था। अल्लाह ने आपको हमारे मुल्क, हमारी आवाम और सुल्तान मौसम के लिए बख्श दिया। पाया तख्त में हमारा फरीजा पूरा हुआ। जोरिस को मार दिया मैंने। उसने गद्दारी और जुल्म सितम की कीमत अपनी जिंदगी के बदले अदा की। तुम सब यूरोप जा रहे हो। अब तुम लोग मुर्दा लोगों की हैसियत से अपने नए फराइज सर अंजाम दोगे। अल्लाह तुम सब की हिफाजत फरमाए और तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या सूरत हाल है? उन्होंने महाजरीन को ले जाने वाले जहाजों की तलाशी ले ली। हाँ। इजाजत मिल गई, वो पाया तख्त में दाखिल हो रहे। बहुत खूब।
वो असलहे के साथ बाएं तख्त में दाखिल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे इकदाम किए गए, हम वो उन्हें कुचल देंगे। महल की टेलीग्राफ लाइन काट दीजिए और हमारे आदमियों से कह दीजिए चारों तरफ से हमला करना है। अब्दुल हमीद कहीं से मदद नहीं बुला सकेगा, एक बहुत बड़ी शिकस्त उसकी मुंतजर है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, कुछ अजीब मालूमात मिली है। कैसी मालूमात? टेलीग्राफ अफसरान ने टेलीग्राफ लाइन की मरम्मत करने के लिए उसे काटने की दरखास्त की है। आपको ऐसा क्यों लगा कि यह अजीब है पाशा? सुल्तान मौसम, क्योंकि इसका मतलब है महल को बाहर की दुनिया से मुनकता करना। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये बगावत की शुरुआत है। इन अफसरान को फौरी बरतरफ कर दीजिए। टेलीग्राफ लाइन को काटने से रोकने के लिए हर तरह की तदबीर अख्तियार कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या हुआ? हमने सुल्तान से इजाजत तलब की। वो हमें इजाजत नहीं देगा। फिक्र मत करे, मैं उन्हें बताऊंगा कि लाइन पहले ही काटी जा चुकी है और उसे ठीक करने में 6 घंटे लगेंगे। जबरदस्त, तो चलो इन मशीनों को भी तोड़ देते हैं ताकि ये सब और मुश्किल हो जाए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये नाकारा है। नाकारा तो तुम हो गए हो। बदबخت इंसान, तुम्हारी इतनी जुर्रत! अपने वतन का सौदा कैसे कर सकते हो? अपनी इज्जत के सौदे करने वाले बदसात लोगों पर लानत भेजता हूं मैं। अपने वतन को तुमने मुश्किल में देखा तो गद्दारी कर दी उससे। ऐसा नहीं है पाशा। तुम्हारी इन आंखों से और तुम्हारी इस जुबान से जाहिर होता है कि तुम गद्दारी के मुर्तकिब हो। बेईमान इंसान, मैं कसम खाता हूं कि वो वाहिद चीज जो तुम देखोगे जिंदान की दीवारें होंगी। धोखा देने वालों और गद्दारी करने वालों का यही अंजाम होता है। ले जाओ इन्हें। सुल्तान मौज़ूम, हम नहीं जानते कि यह खतरा किस तरफ से आ रहा है। हमें डोलमाबाजे महल या फिर मसलक हवेली में मुंतकिल नहीं हो जाना चाहिए। नहीं पाशा, चाहे वो कहीं से भी आए हम यही होंगे। रियासत का सरबराह रियासत का मुहाफिज होता है। आ जाएं। सुल्तान मौज़ूम, जैसे कि हमने सोचा था टेलीग्राफ लाइन में कोई खराबी नहीं थी। तो क्या टेलीग्राफ लाइनें बहाल हैं पाशा? बदकिस्मती से नहीं, उन गद्दारों ने लाइनें काट दी हैं। हम नहीं जानते कहां से काटी गई हैं, लेकिन हमारे सिपाही तहकीक कर रहे हैं। वो करीब आ रहे हैं पाशा, वो करीब आ रहे हैं। महल में एक ऐसी लाइन है जिसका इन्हिसार दूसरी लाइनों पर नहीं है। वो खुफिया कमरे में है। हम उसी को अपना मरकजी दफ्तर बनाएंगे। जब तक इस खतरे पर काबू नहीं पा लेते हम खुफिया कमरे से ही राब्ता कायम रखेंगे। मजीद वक्त नहीं है, रोथचाइल्ड वाले मंसूबे को खत्म करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या सिन्हा सुल्तान और बीदार सुल्तान आ गई हैं? वो नहीं आई सुल्तान मौसम। बीदार सुल्तान जैसे ही आए उनसे कहिए कि हमसे मिले। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मुझे भी एक बंदूक दो। खुफिया जुमला, बताओ हमें। आजादी के लिए बगावत की है हमने। इसे बंदूक दो। हम जो फर्ज पूरा करने जा रहे हैं वो अजीम है। या तो हम उन्हें मार देंगे या फिर वो हमें मार देंगे। डरना मत, वो मासूम है ये समझकर बंदूकों को नीचे मत कर लेना। मारो,
मारो ताकि आजादी मिल सके। हम वियना की तरफ सफर कर रहे हैं। वियना, जिस शहर से दो बार वापस आए हो तुम। हम हर जगह हैं, हर जगह। हम जानते हैं कि आपकी कंपनियों के मरकजी खाते कहाँ हैं जनाब रुथस्चाइल्ड। ये रहा उस जगह का पता। क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है। सब कुछ तबाह हो जाएगा। तबाह हो चुका है वेम्बेरी। हम बताएंगे, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। हमारे पास फहरिस्त है उन फौजियों की जो अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। कहाँ? खास संदूक में। ये उसकी चाबी है। अब इस ट्रेन को रोको। ट्रेन इतनी जल्दी कैसे रुक गई? जनाब रुथस्चाइल्ड। अहमद पाशा, आया तख्त में खुश आमदीद। हम कहां हैं? जंगल में, लेकिन पाया तख्त के जंगल में। ये सब कुछ एक मंसूबा था। पाया तख्त से आप कभी गए ही नहीं थे। कैसे हो सकता है ये? हमने आपको ये बावर करवाया कि आप कहीं और हैं। बहुत सारी जाली जगह तामीर की गई। ये ट्रेन उन्हीं जगहों के आसपास घूमती रही। मुझे चाबी दो। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको इस खेल के दौरान जो कुछ बताया गया वो सच नहीं था। न सिर्फ उन शहरों में जिनका आपको बताया गया है, बल्कि दीगर शहरों में भी आपका सब कुछ तबाह हो चुका है। वियना में, बल्गोराद में और बुदापेस्ट में। यानी जिस तंजीम का जिक्र किया गया वो है? बिल्कुल, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। तुम दोनों को इसी वक्त सुल्ताने मौसम के हुक्म से मुल्क पतर किया जाता है। ये ट्रेन तुम्हें यहां से लेकर जाएगी और पाया तख्त कभी वापस नहीं लाएगी। हाँ, तुर्क कहवे का जायका हमेशा तुम्हें याद रहेगा, हमेशा। आ जाएं। मलिका। सुल्ताने मौसम। मुहाफिजीन। सुल्ताने मौसम, शुक्र है कि हमें आपको दोबारा देखना नसीब हुआ। सुल्ताने मौसम, हमने आज मौत की आखिरी सांस को महसूस किया है। अगर आज अब्दुल कादिर बहादुर का मुजाहरा ना करते तो शिवनाज हमें गोली मार चुकी होती। दुश्मन की मैली नजरें हमेशा हम पर होती हैं मलिका। इंशाल्लाह वो हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शिवनाज मर चुकी हैं और रुथस्चाइल्ड आपके कब्जे में है। लेकिन बगावत के जिस मंसूबे को तरतीब दिया है वो जारी है। हम अब भी कई बंदूकों के निशाने पर हैं मलिका। खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं सुल्ताने मौसम? हम आपसे मुहतात रहने की बात कर रहे हैं। बगावत होने वाली है। या मेरे अल्लाह रहम। हमारी तरफ से खबर का इंतजार कीजिए। अगर हम खतरे पर काबू ना पा सके तो आपको खबर भेज देंगे। आप महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाइएगा। और आप?
हम वहीं रहेंगे जहां हमें होना चाहिए। सुल्ताने मौसम, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हर कोई होशियार रहेगा। आखिर हम इतने मोहतात क्यों हैं? वो सिर्फ बना गुजीन है। कुछ खुफिया मालूमात हैं। हुक्म की तामील करो। आजादी के लिए। हमने तमाम छावनियों में होशियार रहने के अहकाम जारी कर दिए। आफरीन। अब तोपखाने की छावनी के लिए क्या अहकाम है सुल्ताने मौसम? दरवाजे बंद कर दीजिए पाशा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जैसा आप कहोगे। क्या अहमद पाशा आ गए? नहीं सुल्ताने मौसम, अगर आपका हुक्म हो तो मैं तलाश करूं। कोई दिन सुकून का मैसर नहीं हो पा रहा। हमें मुसलसल हमले हो रहे हैं, ना खत्म होने वाले दुश्मनों में फंस गए हैं हम। हमने कभी सुल्ताने मौजम को इतना परेशान नहीं देखा। नायमी के सामने ये बात मत कीजिएगा, हो सकता है कि इस बगावत को रोक लिया जाए। उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं। सुल्ताने मौजम इस पर काबू पा लेंगे। वो इन लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी सुल्ताने मौजम की कदर नहीं करते। नायमे, चलिए बैठ जाइए। नायमे बेटी। वालिदा। हमारी प्यारी बेटी, आप कैसी हैं? आइए आइए, यहाँ बैठिए। आप कैसी हैं नायमे? हम ठीक है वालिदा, हम आप लोगों के लिए बहुत परेशान थे। शुक्र है मेहमत सलीम और अब्दुल कादिर ने सूरत हाल पर काबू पा लिया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी ठीक कहा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? सर में दर्द है। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब दोबारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुंच गई। चलो चलो शाबाश, हमला करो, हमला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सिपाहियों, आगे बढ़ो। चलो चलो जल्दी सिपाहियों। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बताओ तुम्हें हथियार उठाने का हुक्म किसने दिया है? हम किसी से हुक्म नहीं लेंगे, अब हुक्म अब हम देंगे। ये कैसी आवाजें हैं? या मेरे अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। क्या कुछ नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा कुछ भी। सुल्ताने मौसम, हमारी एक फौजी छावनी पर हमला हुआ है। बदकिस्मती से कुछ फौजियों ने गद्दारी की है। सुल्ताने मौसम, एक और खबर आई है। वो सिपाही जो महाजरीन का इंतजार कर रहे थे शहीद हो गए। मुसल्ला बागी नाम निहाद महाजरीन की जगह जहाज से बाहर आए। सुल्ताने मौसम,
मखसूस फौजी दस्ता नौजवान तुर्कों में शामिल हो गया है। वो बागियों के साथ मिल गए हैं। सुल्तान मौसम, रुस्चाइल्ड से हमने बागी फौजियों की फेरिस्त हासिल कर ली है। देर हो गई पाशा, देर हो गई। बगावत का आगाज हो गया है, तैयार हो जाइए। प्यारी बेटी डरिएगा मत, तख्त के खिलाफ बगावत की जा रही है। अल्लाह रे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दीगर फौजी दस्तों को खबर भेजे पाशा। सुल्तान-ए-मौज़म, सिपाहियों पाशा को संभालो। शफीक पाशा, मैं उन्हें नहीं रोक सका। खास छावनी के सिपाही बगावत में शामिल हो गए हैं। जो शामिल नहीं हुए उन्हें शहीद कर दिया गया है। इन्हें शिफाखाने ले जाइए, फौरन ले जाइए। सुल्तानी मौसम, मैं दीगर छावनियों को इत्तिला करता हूँ जाकर। अब बहुत देर हो गई है पाशा, हमें दिफा करने की जरूरत है। अहमद पाशा, महल में मौजूद सिपाहियों के साथ बाग में दिफाई हिसार बनाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हम आखिरी सांस तक दिफा को यकीनी बनाएंगे। आप जेरे जमीन सुरंग में चले जाएं, हम आपका दिफा करेंगे। हरगिज नहीं पाशा, ये गद्दारों से लड़ने का दिन है। हमारा फर्ज है कि अपने हरम की हिफाजत भी करें। सुल्तानी मौसम, अगर कुछ हो जाता तो मुझे अपने हुकूक माफ कर दीजिएगा। कुछ नहीं होगा पाशा, मजबूती से डटे रहिए। हम किसी को भी अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सुल्तान मौसम, हम अपने खून के आखिरी खतरे तक आपकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम। जज़ाकल्लाह। हम अपनी रियासत की हिफाजत करेंगे, अपने नामूस का दिफा करेंगे। हम गद्दारों और बेईमानों के रहम करम पर इसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान मौज़म रियासत के सरबरा हैं, उनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चलो मेरे शेरों, तैयार हो जाओ। ये दिफा का वक्त है। दो दिफाई हिसार बनाइए। कोई भी सिपाही उस हिसार से हरगिज बाहर नहीं जाएगा। वो गद्दार यहाँ आने वाले हैं, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो मौत उन लोगों की मुंतजर होगी। जल्दी चलो। ज़ालिमों पर रहम करना मज़लूमों के साथ ज़्यादती है। कत्ल किए बगैर वो लोग सुल्तान मौसम तक नहीं पहुंच सकते।
होगा अगर वो इसे रोक ना सके? तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? सुल्ताने मौसम, बाबा जान, आखिरकार आप आ गए। ये आवाजें सुनकर हम खौफ ज़दा हो गए। फौरन पनाहगाह में चली जाइए, यही हालात का तकाज़ा है। सुल्ताने मौसम, हमें खुद को छोड़कर जाने का मत कहिए। क्या आप हमारे हुक्म के खिलाफ जाएंगी मलिका? फिक्र न करें वालिदा, आप हुक्म की तामील कीजिए, हम अपने बाबा के साथ हैं आखिर तक। फिर वादा कीजिए कि शहजादे आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आप फौरन पनाहगाह में जाइए। अल्लाह आपकी हिफाजत करे सुल्ताने मौसम। आपकी भी सुनिए सुल्तान, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जिहाद मुबारक हो। ये हमारी नामूस है शहजादो, अपने घर की हिफाजत करना जरूरी है। हम हिफाजत करेंगे सुल्तानी मुस्तफा। पिछले दरवाजे की हिफाजत कीजिए, वहां से कोई भी अंदर ना आने पाए। चलिए हिम्मत कीजिए, हमें पकड़ लीजिए। सुल्ताना इजाजत दीजिए, हम इन्हें संभालते हैं। हमसे चला नहीं जा रहा। महमूद, तरसीन, इनके सर में गोली मारो, कोई निशाना खता न हो। या अल्लाह मदद फरमा। डरो, तुम दोनों घूम के पीछे की तरफ से हरम में जाओ, अब्दुल हमीद वहीं होगा। हम क्या करेंगे? तुम हरम को आग लगा दो, हम इस दिफाई हिसार पर काबू पा लेंगे। जो हुक्म कमांडर। तहसीन पाशा, क्या हुआ? वो दो गद्दार पीछे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। से पाशा, मैं इस पर काम करते करते थोड़ा जंगालूद हो गया हूँ, लेकिन इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी कलम की जगह बंदूक उठानी पड़ गई है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पाशा, माशाल्लाह। तहसीन पाशा, महमूद पाशा, तहसीन पाशा, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुल्तान मौसम की हिफाजत कर, आमीन। Thank you.
ना एमी बेटी, चलिए शाबाश, बस थोड़ी सी दूर और चलना है। आजा, आप जानती हैं यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। सनिया सुल्तान, ऐसी बातें मत करें, इंशाल्लाह आपकी बातें गलत साबित होंगी। यहाँ से आइए। बातें जा रहे हैं, वो करीब आ रहे हैं। चलिए हमारे बच्चों, हमारे बेटों शहजादों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। शाबाश, दूसरे दरवाजे से गुजर के अंदर जाओ और आग लगा दो। जाने कैसी कयामत का मंजर होगा। या अल्लाह, हरम को आग लगा दी उन्होंने। या मेरे अल्लाह, सुल्तान मौसम, अल्लाह हमारी मदद करना। पुरसकून हो जाओ लड़कियों, सब इस तरफ चलिए, फौरन चलिए, चलिए बेटी चलिए। या मेरे अल्लाह, शहजादी आप ठीक हैं? नाइमे, हमारी प्यारी बेटी, बराहे मेहरबानी बस थोड़ा और चलिए। चलिए सुल्फत, इन्हें लेकर जाइए। आ जाइए बेटी, चलिए जल्दी। या मेरे अल्लाह, सुल्तान मोहसिन, सनेहा सुल्तान, आइए बेदार सुल्तान। नाइमे, आपके पास अमानत है, अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। बेदार खातून, दरवाजा खोलिए, आप नहीं जा सकते। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, चलो।
भागो। धुआं बढ़ता जा रहा है। या तो अपने खानदान के साथ मरोगे या फिर तुम हार मान लोगे अब्दुल हमीद। मार दीजिए। बहुत बोल रहा था ये। उन्होंने आग लगा दी है, उन्होंने हरम को आग लगा दी है। हम जल जाएंगे। आग लगी है, यहां आग लगी है। उन्होंने पूरे हरम को आग लगा दी है। मेरे बेटे, बेटे, हमें माफ कर दे सुल्ताने मौसा, माफ कर दे। जब हमारे चारों तरफ शोले जल रहे थे और रियासत को नजरें आतिश कर रहे थे तो हम नहीं देख सके, हमें माफ कर दे। इसे बुझा दिया जाएगा, यकीनन इसे बुझा दिया जाएगा। रियासत को जलाने वाली आग को बुझा दिया जाएगा।
हम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हर मामले में ऐसे तंग करेंगी कि आपको यहाँ ये चंद दिन कई सालों के बराबर लगने लगेंगे। दूर हट जाइए दोनों। वो मर्द है, शहजादा है इस खानदान का, एक दिन कमर पे तलवार बांधेगा। हम सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान अब्दुल हमीद खान को विलादत के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी बड़े भाई। मुराद साहब के अलावा भी कोई हमारे बड़े भाई हैं। शायद इसी वजह से सुल्तान मौसम ने हमें यहाँ बुलाया है।